ऑल फ्रेंड्स, तो जी क्या कभी बड़ेपन से बचपन में गए आप? आज मैं वो ही करने जा रहा हूं। ऑल फ्रेंड्स, तो जी वेलकम टू येट अनदर आशुतोष व्लॉग्स। और आज हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से बड़ेपन से लड़कपन में और फिर लड़कपन से बचपन में कैसे जाया जाता है। देखिए अगेन, मैं आप लोगों को मैं लास्ट व्लॉग में बताया था कि जब आप खुद हाईवे पे ड्राइव कर रहे हो तो मेहरबानी करके बी सेफ, और कैमरास आप अपने हाथ में नहीं उठाएंगे, इससे एक्सीडेंट्स के बहुत सारे वाकयात हो जा रहे हैं, तो बी सेफ। अगेन बात वहीं से कैरी ऑन करते हैं कि आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ अपने लड़कपन में, जब हम लोग यूनिवर्सिटी जाया करते थे तो वो क्या कहते हैं कि यूनिवर्सिटी की बातें, हॉस्टल की यादें और फिर जामशुरू की हवाएं, आए आए उसका कोई जवाब ही नहीं। तो मेरे ख्याल से सबको जाज नहीं दिखाऊंगा भाई, सबको जाज नहीं, चलते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ। तो भाई एक राज की बात आपको बताता हूँ कि अभी हमने क्रॉस किया है जामशोरो वाला टूल प्लाज़ा। तो जब टूल वाले ने मुझे रोका कि भाई 50 रुपये, तो मैंने पता क्या किया, मैंने बोला भाई यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी। तो उसने कहा कि अच्छा सर ठीक है जाइए। मतलब यूनिवर्सिटी जाने वालों के लिए कोई टूल नहीं है। स्टूडेंट्स सेव योर मनी, टीचर्स प्रोफेसर्स प्लीज सेव योर मनी। तो भाई मेहरान यूनिवर्सिटी, जहाँ पर हमारा लड़कपन गुजरा है, फाइनली हम वहाँ पहुँचने वाले हैं। और ऑफ कोर्स हमें ये गेट की रिकॉर्डिंग और ये सब करने की रिकॉर्डिंग की परमिशन नहीं होगी, लेकिन जितना आपको दिखा सके यूनिवर्सिटी के खूबसूरत नज़ारे तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। ये देखें मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। हाँ ज़रा इधर करिए कैमरा ला। तो सर जी मैं भी इंजीनियर हूँ, रोइएगा मत प्लीज़। नहीं नहीं, तो भाई ये है मेहरान यूनिवर्सिटी का अंदर वाला रास्ता जहाँ पर हमने ठीक ठाक टाइम गुजारा है। मतलब ठीक ठाक टाइम इस सेंस में गुजारा है कि जब भी, मतलब ये मेन रास्ता होता था, जब भी आप यूनिवर्सिटी में इन होते थे या एग्जिट करते थे तो यही रास्ता लेते थे। और इस ही रास्ते पर फिर आपका हॉस्टल भी कनेक्ट होता है, गर्ल्स हॉस्टल, और यहाँ पर एक स्कूल भी है। लेकिन सबसे बेहतरीन, साफ़ सुथरा, और अगर शाम के टाइम भी अगर आप यहाँ पर आएंगे ना, तो कहते हैं हैदराबाद की तो हवाएं मशहूर हैं लेकिन जामशोरो की हवाएं, उसका कोई मुकाबला नहीं। तो भाई आज मैं आया हूँ इस डिपार्टमेंट में, सरप्राइज़ है, शायद मैं भी नाम मुझे पूरा याद नहीं है इसलिए मैं सरप्राइज़ कह रहा हूँ, लेकिन यह है कि यहाँ पर मुझे एक छोटी सी दावत है इसलिए मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। और वहाँ पर मैं आपको मिलवाऊँगा अपने बड़े प्यारे से दोस्त से जिसने मुझे बुलाया आज, और देखते हैं कि क्यों बुलवाया, पहले पता तो चले रीज़न क्या है, भाई ने क्यों बुलवाया। चलो चलते हैं फिर देखते हैं। भाई बड़े इज्जत से अंदर बुलाया है, मेरे ख्याल से बड़ा काम है कोई। साकिब तू बड़ी फिल्म है, मुझे पता है तूने इतनी इज्जत मुझे क्यों दी है, मेरे को समझ में नहीं आ रही अभी तक, हज़म नहीं हो रही। मतलब पुराने दोस्त अगर मिलें और अगर इतनी कोई इज्जत दे तो कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। ये देख मेरे पार्किंग भी छोड़ी हुई साकिब, मैंने थोड़ा सा कट गलत ले लिया, लेकिन मैं भी कोशिश करूँगा पहले पप्पी हो जाए, लेकिन एक ही टर्न में अंदर गाड़ी को सही। देख रहे ड्राइवर देख रहे हैं आप कैसा पक्का हूँ मैं, बस सिर्फ भरम है भाई के पास, सिर्फ भरम। आओ नहीं तो फिर दोस्त बोलेंगे कि सारा व्लॉग गाड़ी में बनाते हैं। चल भाई उतर। यहाँ पर हमारी बहुत ज़्यादा जो है वो यादें रही हैं, स्पेशली यूनिवर्सिटी लाइफ जो होती है ना, एक स्कूल लाइफ जिसको आप कभी नहीं भूल सकते और दूसरी यूनिवर्सिटी लाइफ आप कभी भी नहीं भूल सकते। वेल बेस्ट डेज ऑफ द लाइफ, बेस्ट डेज ऑफ द लाइफ आपके यूनिवर्सिटी में होते हैं, लेकिन अल्लाह हर किसी को अपने हिफ्ज़-अमान में रखे। बुरे कामों से अपने आप को बचाइएगा, अच्छा और नेक रास्ता लीजिएगा, तो इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी लाइफ आपकी बड़ी अच्छी गुजरेगी। चल अंदर चलते हैं यार, बहुत गर्मी, आग लग रही है कपड़ों में, आग लग रही है यार। हुँ.
भाई साकिब भाई का इंतज़ार कर रहे हैं, और साकिब भाई जब आएंगे तो आप ज़रूर उनके चेहरे से ही उनको पहचान लेंगे, क्योंकि वो सिंध के बल्कि पाकिस्तान के एक बहुत बड़े नाम, मीडिया में बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया है, न्यूज़ चैनल्स पे उन्होंने काम किया है, और अब इन्होंने अपनी लाइफ को मुख्तस कर दिया है एजुकेशन के लिए, तो अब वो आ गए हैं यूनिवर्सिटी में। क्या बात है, मुझे आपने इंग्लिश का एक जुमला बोला तो मैं भी एक इंग्लिश का जुमला। क्या चाल थी सर? आप सबको सर कैसा लगा? बेहतरीन। जोर का झटका दिए थे? नहीं, जोर का झटका बहुत जोर से लगा। सबसे पहले तो मैं अभी यही जिक्र कर रहा था कि हम लोग सिविल में पढ़े, इंजीनियर हूँ। अच्छा, मैं भी इंजीनियर हूँ। रियली? तो हम लोग सिविल में पढ़े हैं, लेकिन हमारे वक्त में तो ऐसे स्टैंडर्ड्स नहीं होते थे यार। कौन सी बैच? 96 ओके। नहीं मतलब सॉरी 2006। भाई ये हमारे दोस्त हैं, पहले तो साकिब अबड़ोसा, आप चेहरे से तो पहचान गए होंगे, हैदराबाद का तो नाम मायानाज नाम है, लेकिन पाकिस्तान के एक बहुत बड़े नाम, बड़े चैनलों पे आपको देखते थे हम लोग। गुड टाइम, अच्छा होता। नहीं अभी भी अच्छा टाइम है सर, आप अभी भी जवान है। अभी भी मैं जवान हूँ यार, क्या हो गया है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, उसके बाद आपसे मुलाकात करते हैं। तो भाई 11:20 हो चुके हैं और 11:30 बजे मैं यहाँ से निकलना था, लेकिन साकिब भाई गुस्से में देख रहे हैं, तो हमने कहा कि साकिब भाई के लिए हम एक रीज़न बना कर आए थे यार, साकिब भाई वो बच्चों को लेना है, स्कूल का टाइम हो जाएगा ना। हाँ, इट्स फ्राइडे। तो कोशिश करेंगे मैक्सिमम हम यूँ घूम लें, यूँ करके सारा घूम लेंगे। उसके बाद वो आपने ड्रामा तो देखा होगा बचपन में, नहीं चलता था फ्लैश? जी 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 ड्रामा जी जी, बस वो यूँ आते थे करके घूम के चला जाता था, वही किस्सा। चले करते हैं। चीयर्स चीयर्स चीयर्स। और राइट फ्रेंड्स, तो जी बड़ा मज़ेदार सेटअप रहा यार, मैंने बिलीव मी मैं फ़र्स्ट टाइम इस यूनिवर्सिटी में आया हूँ, और बहुत कमाल सेटअप था, मुझे कहीं से लग नहीं रहा था कि मैं पाकिस्तान में, इतना हाईली स्टैंडर्ड्स रखे हुए हैं, कैफेटेरिया बहुत कमाल, स्टूडेंट्स का जो सेटअप था बैठने का वो बड़ा कमाल, एवरीथिंग वॉज क्लासी। तो जी इसी के साथ, अगर आप लोगों ने हमारा यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो एक लाइक करते हुए जाइएगा, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ ही आशी डेली व्लॉग्स में से आशी गो सिया।